हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस मैथ डॉट एच। इट्स फॉर फॉर्म इज मैथमेटिकल हेडर फाइल्स। राजे इसके नाम तो ही पता लग रहा है कि एवं दी हेडर फाइल जिसके कोल मैथमेटिकल ना रिलेटेड फंक्शन होंगे। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी कवर 8 फंक्शन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस 4 cos, exp, pw मतलब पावर, फोर्थ वन इज अ स्क्वायर रूट। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट वन cos। जेड़ा फंक्शन है ये फंक्शन सानू रिटर्न करता कोसाइन वैल्यू। कोसाइन वैल्यू रिटर्न करेगा ऑफ अ रेडियन। जेड़ा भी असीं नूं रेडियन पास आउट करांगे, एंगुलर कोई वैल्यू नहीं देवांगे, रेडियन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पास कॉस 0 तो इहदी आउटपुट आएगी 1। इफ आई पास कॉस 25 तो इसकी आउटपुट आएगी 0.9912। आई रिपीट कि कॉस फंक्शन असी कोसाइन वैल्यू रिटर्न करता जदों असी उन्हें एज अ रेडियन इस अ रेडियन वैल्यू दिने ना कि कोई असी एंगुलर वैल्यू दे। ठीक, सो नेक्स्ट वन इज अ ई एक्स पी। ये सानू एक्सपोनेंशियल वैल्यू रिटर्न करता। एक्सपोनेंशियल वैल्यू मतलब की आ, इस फंक्शन का काम की आ, इट रिटर्नस द वैल्यू ऑफ ई रेज टू द एक्स पोजिशन। मतलब एक्स की कोई पोजिशन लाइक फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू द एक्स पोजिशन, इस वैल्यू में कैलकुलेट करके सानू रिटर्न करेगा। इतने राजे ई की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 2.7183 मीन्स ई दी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, इक्वल टू आई रिपीट 2.7183। तो ई एक्स फंक्शन की करता ई दी पावर ई इज़ अ बेस, ई जो भी एक्स की पावर रेज करेगा उसकी वैल्यू सानू कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी पास कर रहे हो ई एक्स पी 1 तो की बनेगा, इट इक्वल टू ई दी पावर कितनी है 2.7183। सो एक्स की हो गया 1 तो आंसर की आएगा 2.7183। अगर असी फॉर एग्जांपल ई एक्स पी नू पास कर रहे हैं 2 जो भी असी वैल्यू इतनी ब्रैकेट दे रहे हैं दिस इज अ एक्स। ठीक है, तो यह बनेगा ई रेज टू पावर एक्स, ई की वैल्यू कितनी है 2.783, एक्स की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यह आंसर की आएगा 7.3891, दिस इज आंसर। सो थर्ड वन वी डिस्कस ऑन POW, इट मीन्स पावर। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू सॉल्व अ 5 रेज टू पावर अ 4। सो दिस थिंग इज सॉल्व बाय अ पावर फंक्शन। इन अ पावर फंक्शन वी पास अ 2 वैल्यू। एक गल होर तुहानू दस्सां, जो भी असीं मैथमैटिकल दे विच वैल्यूज़ दवांगे भावें असीं कॉस नूं दे रहे हां, ई एक्स पी दे रहे हां जां पावर नूं दे रहे हां, सारियां वैल्यू बेटे फ्लोट च दवांगे। सो असीं इत्थे 2 वैल्यूज़ पास करनियां ने, फर्स्ट वैल्यू फॉर आ बेस, सैकेंड वैल्यू फॉर आ रेज्ड पावर।
If we want to solve this one, we write power 5 की बन गया बेस, 4 की बन गया raised power. So answer is 625. It means 5 into 5 into 5 into 5. This one equal to 5 raised to power 4. So answer is a 625. ठीक है. For example, if sum of 2, 3. It means 2 raised to power 3. 2 into 2 into 2. So 2 into 2 into 2. Answer is a 8. So next one. So fourth function is a square root. नाम तो बेटे पता लग रहे हैं, स्केयर रूट. जो भी असं इन्हें वैल्यू देवे सूद स्केयर रूट कैलकुलेट करके देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी पास 36, वट इज आंसर? यस, 6. इफ वी पास 25, वट इज आंसर? 5. ओके. Now, if we want to make a program including these four functions, first of all, we include a stereo dot h. Second one is conio dot h. Now, third one is which one? Yes, math dot h. Because all mathematical functions are stored in this header file. Void main, starting point of compilation. We call this function directly, like in a printf statement. Printf, first of all, cosine value is percent f. बिकॉज सारे की वैल्यू फ्लोट के रिटर्न होएगी. फंक्शन नेम इज अ कॉस, वी पास अ लाइक 0. ये ब्रैकेट यदि बंद होगी, ए वाली यदि बंद मेन होगी. ठीक है. सेकेंड इज प्रिंट एफ ई एक्स पी वैल्यू इज we pass on 2. Third one is like we call a power function like 5, 4. Fourth one is square root function. SQRT we pass a 25. ठीक. तो सोच जाओगे, हाँ जी मैम कह रहे हैं कि फ्लोट वैल्यू देनी है. बेटे जो तुम एवं भी वैल्यू पास कर दो तो अपने आप लाइक 2 नू मनेगा 2.000. ठीक है. वो सारे एज आ फ्लोट ही कंसीडर करेगा. लास्ट वो एड आ गेट सी एच. So first, now what is the output? We already discussed. Kya answer aayega? Cosine value is 0 da ki aayega 1 aayega. Second one, exp value is 7.3891. Third is power value is, that is a 5 raised to power 4, that is a 625. And fourth one is a square root. Square root is
25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, दैट इज अ 5। सो दिस इज अ आउटपुट। आई होप यू क्लियर ऑल दिस फोर मैथमेटिकल फंक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट फोर मैथमेटिकल फंक्शन। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू ऑल्सो रिस्पॉन्ड मी।